हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी दिसंबर 2022 20 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर फ्रेंड्स एज वेल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो कि प्रस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके दीज आर अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आप कर सकते हैं पहला सवाल है ऑल द मानसून सीजन एंड्स विद सेप्टेबर सेवरल

के हमारे क्वालिटीज हैं इंडिया में वो है सडन ऑनसेट द क्वालिटीज ऑफ मानसून आर फर्स्ट इज सडन ऑनसेट ये लिख भी सकते हैं आप लोग क्योंकि मानसून ऐसे ही होता है सडन ऑनसेट होता है देन सेकेंड इज ग्रेजुअल रिट्रीट द सेकेंड वन इज ग्रेजुअल रिट्रीट मतलब रिट्रीट सडन नहीं होता रिट्रीट बहुत ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे होता है तो ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में एक साथ बारिश बंद हो जाएगी ये ग्रेजुअली होगी जो कि आपके इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शिफ्ट होते हुए आएगी है ना तो यही आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट द सेकेंड रीजन यहाँ पे ये एक और मतलब मानसून की एक प्रॉपर्टी और होता है कि ब्रेक्स इन मानसून कई बार ब्रेक इन मानसून जाता है वही लो प्रेशर एरिया अगर अच्छा डेवलप नहीं हो पाया या लो प्रेशर एरिया नहीं डेवलप हुआ यानी ऊपर से आ, साइबेरियन विंड्स आ गए या किसी तरीके से आ, जो हाई प्रेशर एरिया है आपका आ, जेट स्ट्रीम का वो अगर आ गया तो ये अगर ये भी इनमें से कोई चीज होगी तो भी आपका मानसून में ब्रेक हो जाएगा मतलब जो मानसून जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा तो ये मानसून की प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों रेनफॉल हो रहा है तो यहाँ पर डिलेड मानसून जो मैंने बताया ग्रेजुअल रिट्रीट ये वाला पॉइंट भी सही है और अगर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया कहीं पर जैसे मान लो क्या होता है कई बार लो प्रेशर एरिया कहीं पर डेवलप हो गया अब लो प्रेशर एरिया आपको ऑलरेडी पता है कि वहाँ पर जो है एयर राइज करती है एयर राइज करेगी जी धीरे धीरे कंड अपने साथ अगर कहीं से मॉइस्चर लेके आई है अगर राइज कर रही है तो कंडेंस होकर के वहाँ पर रेनफॉल कर सकती है ना, तो ये हमने देखा है तो दिस कैन बी द रीजन तो बोथ आर द करेक्ट रीजन फॉर दैट क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द द फॉलोइंग आर सब कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी में जीडीपी के सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फर्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेट एक्सपोर्ट या प्राइवेट फाइनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर कौन कौन सी चीज़ें इसमें जीडीपी का हिस्सा हैं ऑप्शन है वन थ्री वन टू थ्री टू थ्री फोर या वन टू थ्री फोर सो लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। आप लोग अटेम्प जरूर करिएगा मुझे बताइएगा कितने आपने सही किए द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ वन टू थ्री फोर चारों ही सही हैं इसमें uh, अगर मैं आपको बताऊँ कि जी के चार बेसिक uh, पार्ट्स होते हैं फर्स्ट जो होता है वो प्राइवेट कंजम्पशन यानी कि सी होता है यानी कि डिमांड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स की कितनी डिमांड है डिमांड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स दैट इज द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑल्सो है ना टेक्निकली इसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर या पी एफ सी ई कहा जाता है सेकेंड जो बिगेस्ट इंजन होता है वो इन्वेस्टमेंट uh, होता है यानी कि आई है ना मनी स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी हम कहते हैं है ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है जी कहते हैं थर्ड जो है बेसिकली वो है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग गवर्नमेंट uh, की स्पेंडिंग जो होती है गवर्नमेंट फाइनल कंजमशन एक्सपेंडिचर जिसको हम बोल सकते हैं एंड फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट मतलब कि हमारा बाहर कितना गया और बाहर का यहाँ इंडिया में कितना आया तो उसका नेट निकालना पड़ता है मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करेंगे तो वो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू देगा ठीक है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फोर कंपोनेंट्स एंड जी डी पी कैल्कुलेशन में इनका यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीडीपी कैलकुलेशन जीडीपी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओनली न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर काउंटेड ओनली न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर काउंटेड सेकंड है ओनली फाइनल मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड थर्ड है के आर इकॉनमी इज अ पार्ट ऑफ जी कैलकुलेशन तो इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वन टू वन थ्री टू थ्री वन टू थ्री द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वन एंड टू ओनली है ना के आर इकोनॉमी इज पार्ट ऑफ जीडीपी एस्टिमेट्स लगाए गए है तो, of तो हैं well. कि थ्री पॉइंट के बराबर होगी अगर याद रखेगा आगे मूव करते न्यूज एनालिसिस पार्ट में कुछ जो हमने न्यूज देखनी है वो देख लेते हैं लद्दाख गॉट इट्स फर्स्ट एवर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जी आई टैग लद्दाख को पहला मिला है राखसे कार्पो एप्रिकॉट याद रखिएगा रखेगा कार्पो एप्रिकॉट तो एप्रिकॉट प्रोडक्शन जो है लद्दाख में काफ़ी ज्यादा है लद्दाख इज द बिगेस्ट एप्रिकॉट प्रोड्यूसर इन द कंट्री एप्रिकॉट का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है कंट्री में वो आपका लद्दाख ही है ये या आप याद रख सकते हैं एंड लद्दाख एप्रिकॉट इज क्लासीफाइड इन टू टू ब्रॉड कैटेगरीज दो कैटेगरीज में इसके हम उसको करते हैं एंड जिसके बिटर कर्नल्स होते हैं कर्नल्स मतलब मतलब कि जो इसके जो उसका मेन न्यूक्लियस होता है एप्रिकॉट का उसका जो आ, अगर बिटर है आ, तो उसको हम बोलते हैं खानते यानी कि बिटर एंड जो स्वीट कर्नल होता है उसको न्यारमो बोलते हैं न्यारमो यानी कि स्वीट ठीक है ना तो दैट इज अ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट ये आपका ये ये तो हो गया ठीक है अच्छा एप्रिकॉट जो होता है फल जो होता है आपने उसको सुना होगा हिंदी में इसको खुबानी बोलते हैं याद रखिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं खुबानी है ना एंड काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जो जो ज़्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जैसे आपका लद्दाख हो गया कश्मीर हो गया हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा आपका ये खुबानी या फिर एप्रिकॉट का प्रोडक्शन किया जाता है ठीक है ना याद रख सकते हैं एंड नारमो और मैंने आपको खानते बता दिया खानते मतलब बेटर नारमो यानी स्वीट जो कार्नल होते हैं कर्नल होते हैं उसके अकॉर्डिंग राख से कार्पो एप्रिकॉट जो रहता है काफ़ी ज़्यादा वाइटाम्स इसके अंतर्गत हैं लो कैलोरीज हैं सॉर्बिटॉल काफ़ी ज़्यादा है सॉर्बिटॉल एक नेचुरल ग्लूकोज सब्सटीट्यूट है दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय डायबिटिक्स है ना तो जो सॉर्बिटॉल है एक नेचुरल ग्लूकोज का सब्सटीट्यूट है विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय द डायबिटिक्स एज वेल तो राक्से कार्पो एप्रिकॉट याद रखेगा लद्दाख आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग कैपलर वन थर्टी सेवन वन थर्टी एट सी एंड कैपलर वन थर्टी एट डी जो कि दो दो नए आ, एक्जो हैं एंड दे आर वाटर वर्ड्स वाटर वर्ड्स मतलब कि दे आर प्राइमरली मेड अप ऑफ वाटर लिख लीजिए आप लोग कैपलर वन थर्टी एट सी एंड कैपलर वन थर्टी एट डी आर द वॉटर वर्ड्स विच मीन्स दे आर प्राइमरली अप ऑफ वाटर काफी इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखेगा अब देखो क्या होता है पहले तो आपको वाटर वर्ड समझ में आ गया है ना दूसरा इसमें एक और समझना है आपको कि एग्जो प्लानेट क्या होता है तो एग्जो प्लानट जो होता है वो एक, एक एक्स्ट्रा सोलर प्लानट होता है मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का प्लानट होता है आउटसाइड द सोलर सिस्टम होता है जिसको जिसके अंदर मतलब जि, विच इज़ नॉट इन साइड सोलर सिस्टम ठीक है ना तो ये आप याद रखें एग्जो एक प्लानट इज़ द प्लानट विच इज़ एक्स्ट्रा सोलर और आउटसाइड आर सोलर सिस्टम ठीक है ना तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल इसको याद रखेगा ठीक है तो 2014 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर दिस, किया था एक तीन एक्सो प्लानट्स को डिस्कवर किया था ऑर्बिटिंग कैप्लर वन थर्टी एट विच वॉज अ स्टार टू हंड्रेड एंड एटीन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ उसका डिस्टेंस जो था वो दो सौ अट्ठारह लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से और कैप्लर वन थर्टी एट एक स्टार है जिसके अराउंड ये एक्सो प्लानट रोटेट कर रहे थे एंड इनमें ही वन कैपलर एमएन 38 सी और डी जो है अभी रिसेंटली दो एक्सोप्लैनेट्स जो है वो हबल और एक रिटायर्ड स्पेस टेलीस्कोप है नासा का स्पिड्जर याद रखिएगा स्पिड्जर एंड हबल तो इनकी मदद से इसको देखा गया है स्पिड्जर इज योर रिटायर्ड स्पेस टेलीस्कोप ऑफ नासा इसको भी आप याद रखिएगा अब यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है इनको वाटर वर्ड बोलते हैं मतलब कि प्रैक्टिकली जो इनका मेजोरिटी पोर्शन है वो किससे बना हुआ है इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर वो अब देखो एग्जैक्टली exactly वाटर नहीं है एग्जैक्टली exactly वाटर नहीं पता लगा है साइंटिस्टों को पता क्या लगा है जो वहां पे शेप एंड साइज है जो मटेरियल की जो वहां पे पाया जा रहा है दैट करस्पॉन्ड्स टू वाटर वो वाटर जैसा प्रतीत हो रहा है याद रखेगा अभी एग्जैक्टली exactly हम वाटर नहीं बोल सकते क्योंकि ये वाटर दिखा नहीं है बट जो शेप एंड साइज मिली है वो ऐसा है दैट इज पॉइंटिंग Towards दैट देखो यहां पे लिखा है आ, मैं आपको दिखा देता ठीक है तो दिस इंपॉर्टेंट आप याद रखेगा वाटर ऑन दिज एक्स डिटेक्टेड डायरेक्टली वाटर इज नॉट डिटेक्टेड डायरेक्टली रिसर्चर्स कंपेयर द साइज एंड मास ऑफ द planet टू कंक्लूड दैट अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम अप टू हाफ ऑफ इट मतलब लगभग पचास परसेंट का जो वॉल्यूम है इट शुड बी मेड अप ऑफ अ मटेरियल दैट आर लाइटर देन रॉक बट हैवियर देन हाइड्रोजन और हीलियम देन वाटर इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल दैट फिट्स इन दिस क्राइटेरिया तो ये क्राइटेरिया में बेसिकली फिट करके इन्होंने बोला कि ये वाटर होगा फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा अदरवाइज डायरेक्टेड इंसिडेंस नहीं मिला है इनको ठीक है ना बट दैट इज अ थिंगी हैव टू अंडरस्टैंड जो जैसा लिखा है वही हमको समझना पड़ेगा है ना इसको आप याद रखिएगा और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो प्लान विच आर लार्जर देन अर्थ तो कई साइंटिस्ट उनको ज़्यादातर लोग जो हैं जो प्लानट्स अर्थ से बड़े होते हैं उनको वो बिग बॉल ऑफ मैं मेटल एंड रॉक ही मानते हैं बिग बॉल ऑफ मेटल एंड रॉक एंड इस कारण से स्केल्ड अप वर्जन ऑफ अर्थ मानने के कारण उनको कई लोग सुपर अर्थ भी कहते हैं तो ये कभी अगर आपसे सुपर अर्थ टर्म पूछ लिया जाए कि सुपर अर्थ क्या होता है तो साइंटिस्ट एक्चुअली कई जो प्लानट्स अर्थ की साइज से बड़े होते हैं उनको मानते हैं कि ये मेटल्स एंड रॉक से बने हुए हैं और अर्थ के एडवांस uh, साइज के कारण होने के कारण उनको हम सुपर अर्थ बोलते हैं ठीक है ना याद रखेगा नाउ द फ्रंट पेज की सबसे बड़ी जो न्यूज़ है इनफैक्ट आज के न्यूज़पेपर की भी सबसे बड़ी न्यूज़ आप बोल सकते हैं सी ओ पी फिफ्टीन जो सी बी डी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडावर्सिटी जो हम बोलते हैं सी ओ पी फिफ्टीन उसका uh, हुआ दैट इज़ द सी ओ पी फिफ्टीन ऑफ दैट और मॉन्ट्रियल uh, में ये चीज़ हुई है मॉन्ट्रियल में कनाडा uh, आप बोल सकते हैं मॉन्ट्रियल कनाडा में ये एग्रीमेंट uh, हुआ है सी ओ पी फिफ्टीन जैसे पैरिस क्लाइमेट डील हुई थी ना वैसे ही बायोडावर्सिटी की हिस्टोरिक डील सी ओ पी फिफ्टीन जो है uh, वो इस बार मॉन्ट्रियल uh, में हुई है और इस बार का जो जो चेयरमैन था वो चाइना था चाइना वॉज द चेयरमैन तो इसको हम कुन्मिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट भी कह रहे हैं सम पीपल आर कॉलिंग इट कन्मिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट विच इज़ देयर एंड इट इज एम्ड एट सेविंग द लैंड सेविंग द ओशियस एंड सेविंग द स्पीशीज है लैंड सेविंग देश पॉल्यून डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज है ना पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज से बचाने का मेन एम है और यह डील की गई है मॉन्ट्रीय कैनेडा में जैसा मैंने आपको बताया इट इज ऑन द लाइन्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट डील पैरिस एग्रीमेंट डील जो थी वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी यह बायोडावर्सिटी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है अब देखते हैं क्या क्या पैक्ट है इसके अंदर

दैन द टेक्सट अप्रूवज द ऑब्जेक्टिव फॉर रिच कंट्रीज टू प्रोवाइड एट लीस्ट ट्वेंटी बिलियन डॉलर पर ईयर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड एटलीस्ट थर्टी बिलियन डॉलर पर ईयर बाई ट्वेंटी थर्टी अप्रॉक्सिमेटली डबल एंड देन ट्रिपल द करेंट इंटरनेशनल एड फॉर बायोडावर्सिटी है ना एंड ये एक तरीके से उनके रिचर कंट्रीज के ऊपर भी मतलब बनाता है कि आप पच्चीस बीस बिलियन डॉलर कम से कम पर ईयर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव देना शुरू करें एंड थर्टी बिलियन पर ईयर बाई ट्वेंटी थर्टी देना शुरू कर दें एंड दैट इज़ अ थिंग इज दे

ट्रिपल ट्रिपल एफ सी हो गया यू एन सी सी डी जो कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन है यू एन सी बी डी जो आपका कन्वेंशन ऑफ डिवर्सिटी है देन मैंने आपका इसके अलावा मीना माटा कन्वेंशन बताया था है ना मीना माटा कन्वेसन का भी बताया था कि ये इसके अंतर्गत ही आता है एंड आपका पी ओ पी के ऊपर जो कन्वेंशन है वो भी इसके अंतर्गत आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है अब ग्लोबल इन्वायमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत ही एक ट्रस्ट फंड बनाया जाएगा विच विल बी देयर फॉर दिस हिस्टोरिक कुलमिंग मॉन्ट्रियल डील ठीक है ना इसको आप याद रख सकते हैं ठीक है ना एंड uh, जो प्रेसिडेंट था इस बार सी ओ पी फिफ्टीन का मैंने आपको कॉल दिया कि ये चाइना था इसलिए इसलिए हाँ हालाँकि कांगो ने लास्ट मिनट में रिफ्यूजल जरूर दिखाया था लेकिन दैट वाज नॉट कंसीडर्ड और चाइना uh, कांगो का ये कहना था कि और ज्यादा पैसे देने चाहिए बट ठीक है उसको कंसिडर नहीं किया गया इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि uh, एक रिपोर्ट के बारे में लिखा है इसमें लिविंग प्लानेट रिपोर्ट आप लोग लिख लीजिएगा लिविंग प्लानट रिपोर्ट इज ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ठीक है ना डब्ल्यू की रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की रिपोर्ट है इसको हम क्या बोलते हैं द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं फार्मर्स डिमांड हायर एमएसपी एंड जीएसटी वेवर फार्मर्स ने हायर जीएसटी डिमांड हायर एमएसपी डिमांड की है एमएसपी आप सबको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एक मार्केट इंटरवेंशन है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इन सिक्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है ताकि जो फार्म प्राइजेज अगर गिरें बहुत ज़्यादा तो उनसे प्रोटेक्शन दी जा सके ठीक है ना एम का कोई लीगल इंस्टेट्यूट नहीं है कोई लॉ नहीं है जिस कारण आता है ये अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सी याद रखिएगा सी नाम की बॉडी है जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस ये रिकमेंडेशन देता है एंड इसके रिकमेंडेशन पे सी सी ई ए की जब मीटिंग होती है यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की जब मीटिंग होती है तो वो इसको अनाउंस करता है एमएसपी को अनाउंस कर देता है ठीक है ना तो आप ये चीज़ें याद रखेगा एमएसपी अनाउंस करते समय बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनपुट प्राइजेस कितने चेंज हुए हैं इनपुट आउटपुट पैरिटी कितनी है मार्केट प्राइजेस के ट्रेंड क्या है डिमांड सप्लाई कितनी है इंटरक्रॉप प्राइज पैरिटी कितनी है ये सारी चीज़ें देखी जाती है ऑफ एफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है जनरल प्राइस लेवल कितने हैं तो ये सारी चीज़ें अब कौन कौन से क्रॉप्स हैं विच आर कंसिडर्ड अंडर दिस एम एस पी आर तो सीरल्स में सात हैं पेडी वीट बार्ले बाजरा मेजर एंड रागी याद रखिएगा इनमें से क्वेश्चन आता है कई बार सेरेल्स में सात हैं पैडी वीट बारले ज्वार बाजरा मेज रागी पल्सेस में पांच हैं ग्राम अरहर या तुअर देन मूंग उड़द एंड लेंटिल एंड इसके अलावा ऑयल सीड्स आठ हैं ग्राउंड नट रेप सीड मस्टर्ड जिसको बोलते हैं टोरिया सोयाबीन सनफ्लावर सीड सेसम देन सेफ्लार एंड नाइजर सीड ठीक है ना इसके अलावा रॉ कॉटन रॉ जूट कोपरा डी हस्ड कोकोनट शुगर केन शुगर केन में हालांकि जो एम एस पी उसको हम फेयर एंड रिमे

ना, इसने लगभग पचास व्यक्तियों को बेवकूफ़ बनाया बाई पोजिंग एज एन आई पी एस ऑफिसर एंड ठीक है एनी वेज इज डूइंग दैट दिस लेकिन uh, ऐसे भी लोग करते हैं तो कई बार जैसे दे द पीपल डू थिंग्स लाइक दैट दिस इज़ नॉट मॉरली और एथिकली करेक्ट बट दैट इज़ नॉट अ पॉइंट फॉर डिस्कशन फॉर हेयर आगे मूव करते हैं देखते हो और क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है जी ट्वेंटी इवेंट लोगो अनविड इन गुजरात तो गुजरात में आप सबको पता है कि कई जगह हैं इस बार जहाँ जी ट्वेंटी के इवेंट्स होंगे जी ट्वेंटी के बहुत सारे इवेंट्स होंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात में होंगे लेकिन मैनी ऑफ द इवेंट्स विल भी टेकिंग प्लेस इन द जी ट्वेंटी जहाँ पे अर्बन ट्वेंटी या यू ट्वेंटी कहना चाहिए दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गुजरात है ना अर्बन ट्वेंटी अर्बन ट्वेंटी और यू ट्वेंटी ठीक है ना इसको याद रखेगा लेट मी टेल यू वॉट इज दिस अर्बन ट्वेंटी और यू ट्वेंटी uh... तो अर्बन ट्वेंटी इज एन इम्पॉर्टेंट सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव ये सिटी डिप्लोमेट डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है विच रीनफोर्सिज द रोल ऑफ सिटीज़ इन टेकिंग द सस्टेनेबल एजेंडा फॉरवर्ड इट टेक्स सिटी इनिशिएटिव है रीन द इट द सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव विच इन्फोर्स दैट द रो ऑफ सिटीज आर देयर इज़ देयर द रो ऑफ सिटीज़ इज़ देयर इन टेकिंग द सस्टेनेबल एजेंडा फॉरवर्ड जो सस्टेबिलिटी का एजेंडा है उसको आगे ले जाने में सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है यही अर्बन ट्वेंटी या यू ट्वेंटी जो है वो यही दिखाना चाहता है ठीक है ना तो बहुत सारी लोकेशंस हैं जो कि सेलेक्ट की गई हैं अहमदाबाद गांधीनगर सूरत केवड़िया जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सारी लोकेशंस हैं जो कि सेलेक्ट की गई हैं आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो कैन मूव हेड विद मी आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं uh, यहाँ पे एडिटोरियल है जो कि हम पहला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे द कॉस्ट टू द कंट्री जस्ट फॉर सेविंग इन सी अब यहाँ पर देखो क्या चल रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आया दो का उसके अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग सौ मिलियन कैजुअल वर्कर्स हैं एंड लगभग पचास मिलियन सैलरीड वर्कर्स हैं विद नो रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जिनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ नहीं है लगभग वन फिफ्टी मिलियन हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं मतलब हमारे टोटल वर्क फोर्स का थर्टी परसेंट जो है दैट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क फोर्स ठीक है ना कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क फोर्स है दिस कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क फोर्स हैज़ इनक्रीज लगभग चौदह परसेंट का इंक्रीज़ देखने को मिला है 2004 में चौबीस परसेंट के आसपास का डेटा था जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स था 2017 के आसपास आते आते अड़तीस परसेंट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स आ चुके हैं अभी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क फोर्स है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का ज़्यादा होता नहीं है नॉन पेरोल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं जैसे कि आपके टेक्नीशियंस हो गए ड्राइवर्स हो गए हाउसकीपिंग स्टाफ हो गए कमर्शियल कॉम्पलेक्सेज में जो काम कर रहे हैं अनस्किल्ड लेबर्स जो हैं फैक्ट्रीज़ में एक तरीके से कैजुअल लेबर्स की तरह काम कर रहे हैं द कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क आप जिसको बोल सकते हैं ठीक है ना अब देखो यहाँ पे कई जगहों पे न केवल प्राइवेट में बल्कि पब्लिक सेक्टर में भी अब आउटसोर्सिंग की जाने लगी है पब्लिक सेक्टर में भी आउटसोर्सिंग की जाने लगी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स वहाँ पर भी, भी काफी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इनफैक्ट पी ने भी काफ़ी ज़्यादा शेयर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल लेबर्स वर्कर्स का बढ़ा दिया है ठीक है ना तो इट हैज़ इंक्रीज अ लॉट द शेयर ऑफ कैजुअल और कॉन्ट्रेचुअल वर्कर्स इन पी हैज़ इंक्रीज अ लॉट ठीक है ना तो ये भी आपको एक चीज़ बतानी थी इसके अलावा आप देखो क्यों इसको अच्छा माना जाता है तो एक्चुअली अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि कॉस्ट टू द कंपनी जिसको सी बोलते हैं वो घट जाता है ठीक है ना अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय एम्प्लॉय होगा तो जो आपको सी टी सी इसको देना पड़ेगा कॉस्ट होता द कंपनी जिसको हम बोलते हैं वो डिक्रीज़ हो जाएगा है ना एंड अगर आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट किसी को देंगे तो वो ज़्यादा रहेगा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रहता है कॉन्ट्रेक्चुअल में कम रहता है ठीक है ना देर फोर उनको लगता है कि कंपनीज के लिए जो सी टी सी डिक्रीज़ हो रही है तो ये जो उनका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा है ना तो और ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में काम आएगा तो कोई बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला क्या है एक तो सी टी सी डिक्रीज होगा सी टी सी कॉस्ट कंपनी डिक्रीज होगी सेकेंड जो, हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ेगा कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड तीसरा जो है वो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियस लोग आना चाहेंगे कि आपके यहां सी सी कम है चलो हम भी आते हैं प्रॉफिट बना लेते हैं लेकिन अगर परमानेंट जॉब्स नहीं डेवलप हो रहे हैं और कॉस्ट टू द जो कॉस्ट टू द कंपनी चलो वो तो कम हो रही है लेकिन कॉस्ट टू द कंट्री बढ़ती जाएगी है ना कॉस्ट टू द कंट्री बढ़ती जाएगी क्योंकि अब परमानेंट जॉब्स तो हो नहीं रहे हैं। केवल केवल आउटसोर्स या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स बढ़ रहे हैं परमानेंट जॉब्स के बढ़ने से ओवरऑल इकोनॉमी को भी फायदा होता है बट वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा इकोनॉमी को तो आउटसोर्सिंग और इन सब के कारण क्या होता है कॉस्ट टू द कंपनी तो नहीं होता लेकिन कॉस्ट टू द कंट्री जरूर होता है अब यहाँ पर मैं आपको और बताता हूँ देखो कॉस्ट केवल ऐसा नहीं कंपनीज क्यों अवॉइड करते हैं परमानेंट जॉब्स क्योंकि एक तो परमानेंट जॉब्स में उनको हायरिंग कॉस्ट लगती है देन परमानेंट जॉब में उनको इंडक्शन कॉस्ट लगेगी देन कैरियर प्रोग्रेशन भी होगा प्रमोशन इन सब की कॉस्ट लगेगी देन अगर सेवरेंस होता है तो सेवरेंस पे सेवरेंस कॉस्ट लगती है सुपर एनुवेसन मतलब रिटायरमेंट कॉस्ट लगती है तो ये सारे कॉस्ट लगते हैं जब आप आ, मतलब कि किसी को परमानेंट इम्प्लॉयमेंट देते हो लेकिन आपने कॉन्ट्रेक्चुअल रखा तो ये सारी चीज़ें ही समाप्त हो गई तो अब देखो इसका नुकसान क्या क्या है आप लोग लिख लीजिए एक बहुत बड़ा नुकसान क्या क्या कॉस्ट टू द कंट्री जो है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहली बात जैसे क्या होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स में लोग ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स में ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते उसका सबसे बड़ा नुकसान कि ट्रेनिंग नहीं होने के कारण आपकी एफिशिएंसी डाउन, डाउन हो गई तो आपकी कंपनी की क्वालिटी तो तो में कमी आएगी है ना तो पहला तो है एफिशियंसी डाउन सेकेंड हो गया आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है सर्विस क्वालिटी है वो डाउन हो गई ठीक है ना तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये कि जो लोग हैं यही लोग आगे जाकर के हाउस फॉर्मेशन करते हैं हाउस यही तो है और हाउस का आपको

अब सेविंग हुई नहीं तो बैंकिंग में पैसा पहुंचा नहीं बैंकिंग में पैसा पहुंचा नहीं तो लोन आया नहीं तो जो एक तरफ जो आपको एडवांटेज लग रहा था दूसरी तरफ वो आपको क्या हो गया आपको डिसएडवांटेज देना शुरू कर दिया ठीक है ना तो वेज सप्रेशन किया जाता है और ये वेज सप्रेशन कितना बुरा है ये आप सबको मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि एक तरफ जो वो सेविंग लग रही है वो एक्चुअली सेविंग नहीं है दैट इज नॉट एक्चुअली सेविंग है ना फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स में कोई स्किल का डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाता है अब आप ऑब्वियस ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं करोगे अगर तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस भी नहीं बढ़ पाएगी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इकॉनमी नहीं रह जाएगी है ना तो दैट इज़ अ थिंग आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में नहीं जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो है बाद में लॉन्ग टर्म में बहुत सारे नुकसान जो है आपको मिल सकते हैं ठीक है ना तो ऑल दीज थिंग्स आर देर आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगला जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल में वो है क्रिमिनलाइजिंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स अब आप सबको तो पॉक्सो एक्ट के बारे में पता होगा पॉक्सो एक्ट में अभी रिसेंटली ये पता लगा है कि जो कंसेंशुअल सेक्स के केसेस हैं कंसेंशुअल सेक्स के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑफ़ द पॉक्सो केसेस क्योंकि पॉक्सो के अंदर जो चाइल्ड का डेफिनेशन है वो अट्ठारह साल से कम की एज का है एंड सोलह से अट्ठारह के बीच के जो एडोलसेंट हैं कई बार उनके कंसेंशुअल सेक्स के रिलेशनशिप्स आते हैं कंसेंशअल सेक्शुअल रिलेशनशिप्स आते हैं एंड वो फिर जाते हैं पॉक्सो के रूप में रजिस्टर हो जाते हैं केसेस ठीक है ना स्पेशली असम महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल रीजन जो है यहां बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे अब पॉक्सो का ऑब्जेक्टिव क्या था टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो एटीन ईयर्स फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज बचाना था इसको सेक्सुअल अब्यूज से बट वो क्या रहा है कि कंसेंशुअल जो यंग पीपल हैं कंसेंशुअल रिलेशनशिप में भी हैं अगर तो वो भी केसेस जा रहे हैं कई फैमिलीज इसका मिसयूज भी करती हैं टू सेफ द फैमिली ऑनर एंड ऑल है ना फैमिली ऑनर के नाम पे वो फिर दे डोंट केयर अबाउट द लाइफ ऑफ द अदर पर्सन एंड जस्ट वो चाहे वो कंसेंशुअल रहा हो चाहे ना रहा हो चाहे उनका बेटा या बेटी इन्वॉल्व रहे हो या ना इन्वॉल्व रहे हों लेकिन दे अल्टीमेटली डू दैट थिंग कि दे ट्राई टू सेफ गार्ड द फैमिली ऑनर बाय रजिस्टरिंग अ केस अंडर पॉक्सो एंड ऑल है ना मतलब कि हमारे बच्चे की गलती नहीं थी बस आप ये इसी के का कारण सब कुछ हुआ है इस तरह के केसेस कई आते हैं है ना एंड वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे उठाई है कि भैया देखो ऐसा नहीं रिलेशनशिप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कई हम लोग को जरूर लगता है कि 16 साल 17 साल में क्या रिलेशनशिप है क्या आपको नहीं पता कि किसी का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपको नहीं पता कि कोई अपने फैमिली में कैसे कई बार फैमिली ही अब्यूज़र निकलती है अब्यूज़ होता है कई बार फैमिली में अगर आपके अगर कई बार कई फैमिलीज हैं जो फादर हैं मान लो वो ड्रंकर डगर निकल जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे में आप बाहर अपने आप को सपोर्ट ढूंढते हो और कई बार बहुत अच्छे सपोर्ट मिलते भी हैं जिसमें जिनको आप रिलेशनशिप्स कहते हैं जो ढंग के रिलेशनशिप्स होते हैं नॉट टॉक अबाउट द निबर निबी केसेज विच आर हैराउंड अस बट कई बार ढंग के रिलेशनशिप्स भी बनते हैं और वहाँ पर आपको काफी सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिलता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इज स्टिल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकलिटी और दट इज इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल और इमोशनल सपोर्ट विच यू कैन गेट आउटसाइड बट होता क्या है कि ऑल दीज थिंग्स आर क्रिमिनलाइज्ड इफ देर इज देर इज सम सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिलेशनशिप एंड इन दैट रिलेशनशिप देन ऑल दीज थिंग्स आर इग्नोर्ड एंड यू विल बी रजिस्टर्ड अंडर पॉक्सो इफ यू आर नॉट एटीन ईयर्स यू आर सेवेंटीन ईयर सपोज है ना तो ये सारी चीज़ें हैं एंड इससे बहुत नुकसान ये होता है कि कई बार क्या होता है कि इट कैन लीड टू द ब्रेकेज ऑफ द इंटायर इमोशनल सिस्टम इंटायर रेपूटेशन इंटायर सोशल रेपुटेशन इंटायर फैमिली लाइफ ऑफ दैट पर्सन है ना द केसेस कैन डिस्ट्रॉय द लाइफ फॉर एडोल्सेंट बॉयजली जो एडोल्सेंट बॉयज हैं उनकी लाइफ तो स्पेशली डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर वो कन्विक्ट हो गए इफ दे आर कन्विक्टेड फॉर स्टेट्यूटरी रेप एंड ऑल देन दे विल फेस इन इंकारसेशन इंकारसेशन मतलब कि प्रेजेंट सेंटेंस मिलेगा उनको ऑब्वियस सी बात है एंड दैट इज अ थिंग व्हिच इज देयर इसके अलावा uh, जो उनकी लाइफ हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गई वो आगे कुछ नहीं कर पाते फिर मेंटली वो एक ड्रामा में रहते हैं क्रिमिनल का टैग लग गया अलग से है ना ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड दिस ऑल्सो इफेक्ट्स द एडोल्ट एंड गर्ल्स एज एल ऐसा नहीं कि गर्ल्स को कोई नुकसान नहीं गर्ल्स को भी नुकसान है ऑब्वियसली बात है उनकी भी जो सोशल uh, लाइफ है सोशल जो इमेज है काफ़ी कुछ वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट तो आई होप यू वट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अब कई बार कोर्ट्स ने रिकगनाइज किया है दैट एडोल्सेंट रिलेशनशिप्स आर नॉर्मल एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सच एक्ट्स अफेक्ट बोथ पार्टीज़ कई बार हाई कोर्ट्स ने कहा इन फैक्ट इन विजय लक्ष्मी वर्सेज द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव टू थाउजेंड ट्वेंटी वन केस में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था इट्साइटेड द एविडेंस इज दैट एडोलसेंट रोमांस इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मार्कर फॉर एडोल्सेंट सेल्फ आइडेंटिटी फंक्शनिंग एंड कैपैसिटी फॉर एंटीमेसी तो ये चीज़ तो मद्रास हाईकोर्ट भी कह रहे मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है कई बार लगे लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा था कि एडोल्सेंट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मार्कर फॉर एडोलसेंट सेल्फ आइडेंटिटी फंक्शनिंग एंड कैपेसिटी फॉर इंटीमेसी तो ये चीज़ ऑलरेडी कही जा चुकी है एंड वही सारी चीज इसीलिए ऑथर ने सजेशन ये दिया है कि इस तरीके से जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको रोका जाए आ, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बढ़ाई बढ़ावा दिया जाए केवल और केवल इसमें ये रखा जाए कि आ, अगर देखो अगर नॉन कंसेंशुअल है फोर्सफुल है तब तो आप उसमें कन्विक्शन करो बट अगर कंसेंशुअल है और सोलह से 18 के बीच का है तो यहाँ पे सोलह से 18 की एज जो है वो करने की बात ऑथर ने कही है है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी जो ऑथर का कहना है सोलह से अट्ठारह के जो कंसेंशल रिलेशनशिप्स हैं उनको आप क्रिमिनलाइज करना बंद कर दें इसके लिए एक अमेंडमेंट किया जाए तो दिस इज वॉट हैज बीन मैंशनड इन दिस आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट द मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेस अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई है आ, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज लगभग वन थर्टी सिक्स कंट्रीज हैव एग्रीड ऑन अ प्लान टू रीडिस्ट्रीब्यूट टैक्स राइट अक्रॉस टूरिस्डिक्स अट फिफ्टीन परसेंट और लार्ज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन एक मिनिमम पंद्रह परसेंट का टैक्स जो है लार्ज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन पर लगाया जाएगा जो लार्ज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन या लार्ज बिजनेस उनके ऊपर पंद्रह परसेंट का मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा एक्चुअली लास्ट ईयर या एक दो साल पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था ओ का एक प्लान था दैट वॉज द प्लान ऑफ ओई और उसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि एक मिनिमम टैक्स uh, होना चाहिए मिनिमम बिजनेस टैक्स होना चाहिए मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स के नाम से जिसको नाम लिया था उन्होंने तो मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स जो रहेगा वो लगभग पंद्रह परसेंट का रहेगा एंड दैट विल भी इम्प्लीमेंटेड देखो हो क्या रहा था क्यों ये लाया गया था एक्चुअली आजकल एक रेस लग रही है रेस टूवर्ड्स द बॉटम रेस टुवर्ड्स द बॉटम का मतलब क्या हुआ कि ये रेस लग रही है रेस टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द टैक्स रेट्स कई कंट्रीज या कई जो डेस्टिनेशनस हैं वो एम्प्लॉयमेंट या वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स बिल्कुल डिक्रीज करते जा रहे हैं धीरे धीरे ये टैक्सेस घटते पहले चालीस के आसपास जहाँ टैक्स हुआ करते थे एवरेज अब वो कहीं बीस या पंद्रह पंद्रह से बीस के बीच में आ चुके हैं तो वो रेस टुवर्ड्स द बॉटम जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए या इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए उसको खत्म कर करना चाहते मेनली और फिर उसको मेनली खत्म करना चाहता है ओईसीडी इसलिए उन्होंने प्लान लाया था मिनिमम टैक्स रेट का ठीक है ना और कई जगह तो बिजनेस में टैक्स हेवंस भी हैं आपको पता होगा कि टैक्स हेवेंस होगी जहां पे कि इस तरह से बिजनेस काम करते हैं फिर वहां पे उनके टैक्स रेट के अकॉर्डिंग उनको एक परसेंट दो परसेंट का टैक्स ही लगता है तो इस तरीके से जो पहले बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग में होता था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो ये ये भी ओई का ही प्लान था ओ ने ही ये लेकर के आया था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग भी यही था इसके अलावा जो अभी इस तरीके से रेस टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द टैक्स रेट चेंज जो है वहाँ की

हालांकि कार्बन मार्केट कार्बन क्रेडिट कोई नया टर्म नहीं है अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे या आप 2015 का पेरिस एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उन सब जगहों में कार्बन मार्केट्स टर्म आपको देखने को मिल जाएगा कार्बन मार्केट क्या होता है सिंपल सी बात है कार्बन मार्केट आपके पास है कि आप राइट खरीद रहे हैं आप राइट खरीद रहे हैं कार्बन को एमिट करने का मतलब सपोज करो आपको अगर अलॉट किए गए थे कि पाँच कार्बन क्रेडिट्स आपको अलॉट किए गए हैं पाँच कार्बन क्रेडिट मतलब कि पाँच टन्स पाँच मिलियन टन्स जो है आप एमिट कर सकते हो ठीक है ना अब आपने उतना एमिट कर लिया अब आपको पता है कि आपको एक थर्मल पावर प्लांट और खोलना है जिसके लिए लगभग दो मिलियन टन और आपको एमिट करना पड़ेगा तो आपने क्या किया दो मिलियन टन की वैलेंट आपने दो कार्बन क्रेडिट्स और ख़रीद लिए दो कार्बन क्रेडिट्स कहा से खरीदेंगे आप किसी ऐसी कंट्री से खरीदेंगे जिसको अलॉट जितने हुए थे उससे दो क्रेडिट कम उसने एमिट किया कुछ कंट्री ऐसी भी होंगी जिनके चार अलॉट हुए लेकिन उन्होंने दो का ही एमिशन किया दो कार्बन क्रेडिट उन्होंने बचा लिए तो दो कार्बन क्रेडिट बचाया तो दो कार्बन क्रेडिट आपको बेच दिया उन्होंने और आपने उनकी तो मतलब बैलेंस भी बना रहा और कार्बन का ट्रेडिंग भी हो गया है ना तो दिस इज एक्चुअली वॉट इज कार्बन ट्रेडिंग इन कार्बन मार्केट हाउ दिस इज ऑपरेटेड ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट तो कार्बन क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडेबल परमिट दैट एज पर यूएन स्टैंडर्ड्स इक्वल वन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड रिड्यूस्ड और सिक्वेस्ट्रेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर तो एक कार्बन क्रेडिट जो होता है लगभग ये वन टन ऑफ वन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड रिड्यूस्ड और सिक्वेस्ट्रेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर के बराबर है ठीक है ना वन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूज और सिक्वेस्टेड तो ये लिख लेना आप लोग वन कार्बन क्रेडिट इज एक्चुअली वन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव रिड्यूज और सिक्वेस्टेड उसके बराबर माना जाता है तो मैंने आपको बता दिया कैसे एग्जिस्ट करता है ये ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है कार्बन मार्केट दे आर आर टू टाइप्स एक कंप्लायंस मार्केट है एक वॉल्यूंटरी मार्केट है याद रखिएगा वन इज द कंप्लायंस मार्केट अनदर वन इज द वॉल्टरी मार्केट वॉल्ट्री मार्केट आर दोज इन विच एमिटर कॉरपोरेशन ट इंडिविजल कार्बन हाउस का सीओ टू का दैट इज अ थिंग जैसे वॉलंट्री मार्केट मैंने आपको बताया कि आपने आपको दो टन और एमिट करना है कार्बन डाइ ऑक्साइड तो आपने दो कार्बन क्रेडिट खरीद लिए कंप्लायस मार्केट ऑन द अदर हैंड विच आर सेटअप बाय द पॉलिसीज एट द नेशनल रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल तो ये ऑफिशियली रेगुलेट होते हैं एंड कंप्लायंस मार्केट के अंदर आप जो पॉलिसीज या ट्रीटीज के अंतर्गत आप जो करते हैं नेशनल लेवल पर रीजनल लेवल पर वो कंप्लायंस मार्केट हो गया ठीक है आई होप यू गॉट क्लैरिटी चैलेंजेस क्या क्या है तो कई बार क्या होता है चैलेंजेस में जैसे डबल काउंटिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन हो जाता है कई बार मिस्टेक हो जाती कार्बन क्रेडिट आप एडजस्ट कर रहे हैं कंट्री से दूसरी कंट्री में तो कई बार काउंटिंग की मिस्टेक हो जाती है और आप दो बार काउंट कर लेते हैं कि आपने इतना रिडक्शन कर दिया ग्रीन हाउस गैस में लेकिन वो एक ही बार किया होता है एक जगह एडमिट होता है कई बार क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स जो हैं दैट जनरेट कार जनरेट क्रेडिट्स टू पुअर मार्केट ट्रांसपेरेंसी कई बार ट्रांसपेरेंसी uh, नहीं रहती है है ना देयर इज पुअर मार्केट ट्रांसपेरेंसी इन दैट तीसरा ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग क्या है? हो सकता है कि कंपनी बहुत, बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स खरीद, खरीद करके कार्बन न्यूट्रल कंपनी है क्योंकि उसने एक तरीके से पैसा पे किया है उस कार्बन के लिए तो उसको काउंट नहीं करती तो ये ग्रीन वॉशिंग इट लीड्स टू ग्रीन वॉशिंग मतलब कि आपकी कंपनी है नहीं ग्रीन कंपनी लेकिन आप अपने को ग्रीन प्रिटेंड कर रहे हो ग्रीन

लिस्ट जो कर्नाटका की है उसमें इंक्लूड करने के लिए एस टी लिस्ट में ये बिल पास किया गया है और ऑलरेडी एक कैटेगरी है कुरुवा स्टेट में जो कि ऑलरेडी एस टी स्टेटस के अंतर्गत आते का हैं काडू ऑलरेडी इंक्लूडेड है ठीक well. है आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट्स एज वेल आगे मूव करते हैं बैन इंपोज बाय कोस्टल स्टेट्स ऑन पर्स सीन फिशिंग इज नॉट जस्टिफाइड सेंटर सुप्रीम कोर्ट सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जो पर्स सीन फिशिंग अब आप इसको तो बहुत ध्यान से लिख लेना पर्स सीन आपसे अगर यूपीएससी ने केवल इतना पूछ लें कि पर्स सीन एक टर्म था जो न्यूज़ में था क्या है ये तो पर्स सीन इज़ अ टाइप ऑफ फ़िशिंग याद रखिएगा पर्स सीन इज़ अ टाइप ऑफ़ फिशिंग जो कि जनरली काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजस मानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे फिशेस के साथ साथ टर्टल्स और जो नहीं स्पीशीज़ आने चाहिए वो भी फंस जाते हैं लेट मी शो यू वन डायग्राम फॉर दिस तो पर्स सीन फिशिंग कुछ इस तरीके से होती है एक इस तरह से बड़े बड़े वॉल्स बना दिए जाते हैं नेट के और उनको चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है तो इसमें अब ऑब्वियसली बात है जो भी फंसेगा सब फंस जाएंगे फिशेज तो फंसेंगे ही फंसेंगी जो नहीं फंसना चाहिए टर्टल्स वेल्टल्स वो भी फंस जाएंगे तो ये इस तरीके से होती है पर्स सीन फिशिंग तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अब सेंटर ने कहा है कि कई स्टेट्स ने पर्स सीन फिशिंग के ऊपर बैन लगा रखा है दैट बैन इज़ नॉट जस्टिफाइड उनका कहना है कि ये बैन जस्टिफाइड नहीं है इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है जो वहाँ के लोग हैं जो लोग डिपेंडेंट हैं इसमें है ना तो ये फिशरीज डिपार्टमेंट की एक कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया है कि ये बैन जो है पर्स सीन फिशिंग पे वो रिमूव कर दिया जाए तो दिस इज़ वॉट हैज़ बीन सजेस्टेड देयर है so, been, uh, there, ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि मार्क रट उन्होंने ये कहा है कि uh, जो नीदरलैंड या डच जिस भी स्लेवरी में इन्वॉल्व था किसी भी तरीके से अगर स्लेवरी में इन्वॉल्व था तो हम उसमें उससे माफी मांगते हैं बिकॉज इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगर हम बात करें तो डच इंडिया में फाइव में आया और 1825 तक अपनी प्रेजेंस रखी थी इन्होंने एंड ये सबसे पहली अलावा इन्होंने श्रीलंका पॉर्चुगज से कॉन्कर कर लिया था सिक्स में एंड इसके अलावा इन्होंने ड्रिएटेड समीपट्टनम सिक्सटीन फोर्टी वन कराइकल सिक्सटीन फोर्टी फाइव चिंसूरा सिक्सटीन फिफ्टी थ्री सिक्सटीन बड़ा नगर कासिम बाजार विच इज देयर एंड 1663 डच ईस्ट इंडिया कोचिनो अंडर टुक रिकॉर्डेड आईपीओ वर्ल्ड का पहला रिकॉर्डेड आईपीओ जो है वो भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था सिक्सटीन uh, जीरो में एंड इसने इस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज आप बोल सकते हैं डच ईस्ट इंडिया वॉज मोर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए मोनोपोली देन इंपीरियलिज्म देवर नोन फॉर मेंटेनिंग मोनोपोली रादर दैन इम्पीरियलिज्मी ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आई ये आज के न्यूज आइटम्स है दैट इज इट फॉर द डे आई होप यू लेट यर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड अस डे